तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे एक प्रोजेक्ट जान बात कर रहे हैं। तो मेरे पास एक नहीं दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ये लिस्ट ऑफ फाइल है, दिख रहा है आपको, ऐसे मान लीजिए 100 फाइल हो सकते हैं। तो क्या है कि इनकी सबका मुझे इसके अंदर का डेटा चाहिए, तो मुझे सबसे पहले फाइल का लिस्ट चाहिए। तो मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर फोल्डर से सारे फाइल का नेम ऑफ लिस्ट लेके आना, राइट सर। तो मैंने जैसे कि यहां पे हमने लिख दिया सिटी नेम और यहां पे हमारा अमाउंट 2020। तो सबसे पहले मुझे सिटी अमाउंट सिटी का लिस्ट चाहिए यहां पे सारे। तो चलिए इसके लिए हम विजुअल बेसिक पे चलते हैं। तो यहां इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और सब्जेक्ट। तो आपको ये पता करना है कि कोई पर्टिकुलर फाइल किसी फोल्डर में है या नहीं, उसके लिए आपको डायरेक्टरी फंक्शन यूज करना होता है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग, क्योंकि फाइल नेम हमारा हमेशा स्ट्रिंग होता है, तो एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। फिर यहाँ पे करते हैं कि एफ एन इक्वल टू डी आई आर और इसके अंदर हम पूरा पाथ देते हैं। ओके okay? और फाइल का जो एक्सटेंशन क्या है एक बार देख लेते, डॉट एक्सलेस एक्स ही होगा, सॉरी किसी पर्टिकुलर फाइल का एक्सटेंशन चेक करना है हमें। यहाँ पे क्या है, डॉट एक्सलेस एक्स है। अब वापस चलते हैं इसमें। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में पाथ दे देते हैं स्लैश। अब मुझे सारे फाइलों के नाम तो पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट डॉट एक्सलेस एक्स कर देते हैं। और फाइल का टाइप क्या होना चाहिए, तो हमने बोला कि नॉर्मल फाइल होनी चाहिए, सिस्टम हिडन फाइल वगैरह नहीं होनी चाहिए, हमने वीवी नॉर्मल कर दिया। और डायरेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या करेगा कि जितने भी फाइल लिस्ट है वो अपने पास कैप्चर कर लेगा। लेकिन fn एक स्ट्रिंग है तो एक बार में हमेशा एक ही वैल्यू को लेगा, एक से ज़्यादा नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पर देता हूँ रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आ डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ। अब देखिए मैं इसको एक बार रन करता हूं, तो रन करने से क्या होगा कि यहां पे देखिए एक ही नाम आया, ठीक है सर, जस्ट एक नाम आया। लेकिन मुझे यहाँ पे जो नाम चाहिए वो नाम चाहिए सारे नाम चाहिए। तो यहाँ तरीका एक आता है कि आपको यहाँ पे वापस fn इक्वल टू dir ये रिलोड करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि अब एक्सेल को दूसरा फाइल लिस्ट है, मतलब तो जब फर्स्ट टाइम डायरेक्टरी फंक्शन चलता है तो सारे फाइल का नाम अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है। और जब आप उसको बोलेंगे कि एक दो, तो एक बार में एक ही फाइल नेम देगा, जो दे देगा उसको अपने मेमोरी से डिलीट कर देगा। जब दोबारा बोलेंगे कि dir तो दूसरा फाइल देगा, फिर उस फाइल को मेमोरी से डिलीट कर देगा। तो ऐसे जितने नंबर ऑफ फाइल है उतना बार आपको यहाँ इस तरह से लिखना पड़ेगा, जितना लिखेंगे उतना आपको यहाँ पे देगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब हमें कितना क्या पता है कितना फाइल है। अब 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं। सो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको लूप में लगा दें। हाँ, इसको लूप में लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम फोर लूप तो लगा नहीं सकते। फोर आई इक्वल टू अगर हम कर देते हैं 1 to 10, 10 फाइल भी करेगा, मान लीजिए 15 फाइल हुआ तो 20 फाइल हुआ तो दिक्कत हो जाएगी क्या सर। तो लूप जो है बेसिकली तीन तरह के होते हैं, दो तरह के, मान लीजिए दो के अलग, दो एक कैटेगरी है, तो टोटल चार लूप होते हैं। पहला होता है फोर लूप, जिसको हम लोग फोर आई यहाँ 1 to 10 करते हैं, जो कि आपने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ी है। दूसरा फोर के अंदर ही होता है इच,
ईच लूप, जैसे मान लीजिए एक सिलेक्टर रेंज में चल रहा है उसको हम फोर ईच करते हैं। दूसरा आता है डू लूप। डू लूप के दो पार्ट है, दो डू वाइल एंड डू अंटिल। अब डू फॉर देखिए फोर कंडीशन जो है स्टार्टिंग टू एंड चलता है, फोर ईच जो है वो आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, जितना ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे जितना ओपन फाइल है, जितना सीट्स है, एक फाइल के अंदर जितने नंबर ऑफ सीट्स है उतना बार चलेगा, या जितना रेंज आपने एक जितना रेंज सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर जितना नंबर ऑफ सेल्स है उतना बार चलेगा, एरे में जितने आइटम्स हैं उतना बार चलेगा। लेकिन डू लूप जो है एक कंडीशन पे चलता है कि भाई फलना अगर मान लीजिए आर के ऊपर अगर 20 आर की वैल्यू 20 जब तक ना हो तब तक चले, आर की वैल्यू 20 होते ही बंद हो जाए, ऐसी कंडीशंस पे हमारा डू वाइल लूप चलता है। तो यहाँ हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे कि डू वाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कि एफ एन के ऊपर जब तक ब्लैंक ना हो तब तक लूप चलता रहे, चाहे वो 10 हो, चाहे 1000 हो या 500 हो। तो मैं इसको रन कर दिया, देखिए सारे फाइल की लिस्ट के नेम आ गए। तो भुवन जी, कामरान जी, समझ में आया आपको चीजें, कोई डाउट इसमें? तो डू वाइल लूप समझ में आ गया आपको क्या होता है, लगाने का तरीका है डू वाइल, यहां पे अपना कंडीशन दीजिए और यहां पे लूप, जैसे फोर में नेक्स्ट होता है यहां पे लूप होता है, इनके बीच में जो भी डालेंगे वो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि आपका कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अगला ऑप्शन तो हमने एक ऑप्शन कर लिया, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये जो एक्सलेस एक्स आया ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दिल्ली चाहिए, फरीदाबाद चाहिए, पुणे चाहिए, फाइल के एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो क्या करें इसके लिए? तो एक्सेल में आप कैसे इसको अलग करोगे? तो एक्सेल में आप लगाओगे फॉर्मूला फाइंड का, क्या सर? फाइंड का फॉर्मूला लगाओगे, डॉट को सर्च करोगे इसके अंदर, तो कितना आया? 6 आया। अब आप जो है लेफ्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट, और लेफ्ट में से जो है, हाँ संग्राम जी बोलिए, हाँ बोलिए ना सर, तो क्लास में ज्वाइन किया अभी तक? हाँ ले रहा हूँ, 10 मिनट हो चुका है, 10-15 मिनट हो चुका है। ठीक, मैं वीडियो, मैं आपकी वीडियो भेज दूंगा कल के, जैसे आज भेज दिया। ठीक, हमने क्या किया, हमने फाइंड की फॉर्मूले से निकाला डॉट का लोकेशन, कि डॉट का लोकेशन क्या है, फिर हमने फोन फोन लगाया कि लेफ्ट, लेफ्ट से इसकी कंप्लीट लेंथ में से B2 को अलग करो। ठीक है, अब सेम कंडीशन हम यहां लगा देते हैं, तो कैसे लगाएंगे, इससे ऊपर लगाएंगे हम, तो यहां हम देंगे फॉर्मूला, एक और वेरिएबल लेंगे कि डिम एन एज ए स्ट्रिंग, और यहां देंगे कि एन इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट फॉर्मूला वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट करता है, तो लेफ्ट में एफ एन से लेना है, और हमें क्या करना है, लेन, लेन फॉर्मूला भी ले लेता है, लेन एन माइनस, अब जो फाइंड फॉर्मूला है वो वीवी में हो जाता है इन एसटीआर, और लगाने का तरीका उल्टा होता है कि स्टार्ट और
एन के अंदर, और क्या करना है, तब डॉट करना है, जैसे उल्टा लगता है। तो ये क्या करेगा कि इसमें से सिर्फ डॉट से पहले नाम को अलग कर देगा और यहाँ एफ एन की जगह पे हम एन कर देते हैं। अब इसको एक बार रन करेंगे, इस पर इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो देखेंगे काम नहीं आ रहा, सॉरी यहाँ पे एफ एन करना है ना, हाँ एफ एन। यहाँ भी एफ एन होगा, नॉट एन। तो डॉट हट गए। तो एक कोड समझ में आया सभी को, किसी को डाउट है इसमें? चलिए, डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेज हमने पार कर लिया कि हमें लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट आ जा रहा है, फाइल के नेम लिस्ट आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जो है टोटल है, इसके अंदर बी कॉलम के अंदर यहाँ एक टोटल है, मुझे टोटल नंबर जो है हर सिटी के सामने लिखना है। बस मेरा यही प्रोजेक्ट है कि फाइल को ले और टोटल को फाइंड करें, टोटल नीचे बी कॉलम में टोटल है उसको फाइंड करें और यहाँ पर दे। राइट सर, कैसे करेंगे? चलो, तो इसके लिए फाइल को मुझे ओपन करना होगा और मैं यहां पे एक और वेरिएबल लूंगा, इसको रेंज डाल दिया, हाँ एक और वेरिएबल लूंगा यहां पे मैं डिम वी एज ए लॉन्ग, क्योंकि नंबर है तो लॉन्ग ले लिया। फिर हम यहां पे करेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, पास हमें पता है कि मेरा फाइल इस लोकेशन में है, हमने यहां डाला कि जो मेरा पाथ है इस लोकेशन में। ओके, अब फाइल का नेम जो है वो एफ एन के ऊपर स्टोर है, हम फाइल ओपन कर लें। फाइल ओपन करने के बाद हम बी कॉलम में जाएंगे, तो यहां देंगे कि रेंज बी 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 65,000 डॉट एंड एक्स लेस आप डॉट वैल्यू, और ये वैल्यू किस पे स्टोर हो जाएगी, वो हो जाएगी एन के, एन नहीं सॉरी वी 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 के। अब मुझे जो है फाइल को क्लोज करना है, तो वर्क बुक्स, और हमें पता है कि एफ एन को करना है एफ एन डॉट क्लोज, और यहाँ पे कर देना है फॉल्स, क्योंकि हमने कोई चेंज किया नहीं तो फॉल्स करके हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब जो है यहाँ पे आते हैं, अब मैं यहाँ पे जीरो करूँगा और यहाँ पे वन करूँगा क्योंकि सामने डालना है, और यहाँ पे एन के जगह पे वी करूँगा। अब देखिए इसको वन बाय वन रन करता हूँ। सबसे पहले सारे फाइल लिस्ट का नेम ले लिया इसने, लूप लगाया इसने, लूप लगने के बाद इसने क्या किया कि अलग किया नेम को दिल्ली को, इसने दिल्ली यहाँ डाल दिया, फिर दिल्ली वाले फाइल को इसने ओपन किया, देखिए फाइल ओपन हो गया। फिर इसकी जो वैल्यू है वी के ऊपर देखिए क्या आ गया 579, और यहाँ भी देखिए 579 है, और फिर इस फाइल को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे इसके सामने 579 डाल दिया, और डायरेक्टली ने फिर वापस एफ एन के ऊपर दूसरा फाइल डाला, फिर वापस गया और वापस फाइल का नेम अलग किया, फिर उसको रेंज में डाला, फिर उसको ओपन किया, फिर उसकी वैल्यू वी पे डाली 511, उसको क्लोज किया, फिर इसके सामने वैल्यू डाल दिया, और इसी प्रोसीजर को जितने भी फाइल्स हैं सारे फाइल पे रन कर दिया। अच्छा, जब मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन हिल रही है ना, तो आप चाहते हैं किस तरह की स्क्रीन ना हिले, तो ऊपर में आप देंगे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, राइट, अब ये आपका नहीं लेगा। तो
तो भुवन जी, कामरान जी, अब मुझे समझाइए कि किसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपको? क्योंकि नॉर्मल फाइल चाहिए ना, फाइल के बहुत सारे टाइप होते हैं, सिस्टम फाइल होती है, हिडन फाइल होती है, मजे है ना जेपी, मतलब कि हमें जो ले हमें एक्सेल नॉर्मल फाइल लेना है, मतलब कि जो एक सिस्टम फाइल विंडो फाइल वगैरह नहीं लेना है। स्टार डॉट मतलब हुआ कि जिसके एक्सटेंशन, मतलब स्टार का मतलब हुआ कि डॉट एक्सेल से एक्सेल पहले कुछ भी ना हो, ठीक है? और कोई डाउट इसमें भुवन जी? देखिए स्ट्रिंग हम कब लेना है, जब हमें उसके ऊपर अगर वैल्यू टेक्स्ट स्टोर करने हैं, जैसे नेम तो टेक्स्ट ही होता है ना, और अगर नंबर लेने हैं, नंबर बड़ा नंबर लेना है विदाउट डेसिमल तो लॉन्ग लेंगे। इसका वीडियो तो भेजा था ना आपको मैंने, नहीं कल तो नहीं, इससे पहले, कल से पहले मैंने आपको वीडियो भेजी, भुवन जी आपको भेजी थी मैंने, हाउ एंड डिड यू व्हाई डिफाइन द डेटा, नहीं भेजी तो थी, मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ वो तो सर थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ जी,